बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लेक्चर नंबर 24 एंड इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस एग्रेशन। अच्छा बेटा, एग्रेशन का जो वर्ड है हमने सुना हुआ होता है, उसकी मीनिंग होती है गुस्सा। वैसे तो नॉर्मली ये लफ्ज हमने सुना भी है और ये हमारे ऊपर भी वारिद हुई होती है और हम अपने आसपास में जो लोग होते हैं उनको भी इस कैफियत में देखते हैं, ठीक है बेटा। और जो अक्लमंद हैं, दाना लोग हैं, हमेशा उन्होंने यही नसीहत की है कि भाई गुस्से में मत आया करो। बेटा अशफाक अहमद जो है वो अपनी बुक में लिखते हैं कि हमारा एक जानने वाला था, वो अनपढ़ होता था लेकिन उसको पता होता था कि जब दो पार्टियां, दो बंदे एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं, बातचीत करते हैं, तो कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अशफाक अहमद लिखते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको कैसे पता चल जाता है कि दोनों पार्टियों में से कौन सी पार्टी करेक्ट है और कौन सी पार्टी जो है वो इनकरेक्ट है या रॉन्ग है। तो उसने कहा कि भाई ये बात बड़ी सादा है, जब दो बंदे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए गर्म हो जाएं, बातचीत करते हुए गुस्से के मूड में आ जाएं, दोनों में से वो बंदा जो बार बार टेबल को मुक्के मारना शुरू कर दे, मुक्का टेबल पे मुक्का मारकर बात करना शुरू कर दे और उसका टोन, उसका लहजा थोड़ा तृष हो जाए, सख्त हो जाए, इट मींस वो बंदा गलत है। नंबर वन बेटा, इसमें डेफिनेशन को डिस्कस किया गया है। नंबर वन, फिजिकल और वर्बल बिहेवियर इंटेंडेड टू काज हार्म। यानी कि बेटा इसकी दो शक्लें होती हैं, एक तो फिजिकल बिहेवियर, फिजिकल यानी जैसा कि मैंने अभी अशफाक अहमद की बताई आपको, उसकी बुक में से एक पैराग्राफ मैंने आपको बताया, तो ये फिजिकल फॉर्म है, यानी आप मुक्का मारते हैं, आप हाथ हाथ को हिलाते हैं, ये फिजिकल। और वर्बल बिहेवियर, वर्बल यानी आप अपनी जबान से गालियां निकालना शुरू कर देते हैं, अपनी जबान से यानी सख्त किस्म की अल्फाज निकालना शुरू कर देते हैं, बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। तो ये दोनों चीजें अगर आप शो करते हैं, फिजिकल और वर्बल, फिजिकल में आप मुक्के से मारते हैं, वर्बल में आप अपनी जबान से बुरे बुरे अल्फाज निकालते हैं, ये दोनों चीजें इंटेंडेड टू काज हार्म, यानी ये दो चीजें हों और इनका पर्पस क्या हो, सामने वाले बंदे को हार्म करना, तकलीफ पहुंचाना, उसको नुकसान पहुंचाना। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एग्रेशन। नंबर टू, दिस डेफिनेशन एक्सक्लूड्स अनइंटेंशनल हार्म सच एज ऑटो एक्सीडेंट्स और साइड बाई कोलिजन्स। यानी कि बेटा कभी कभी क्या होता है, दो गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं। अब लाजमी नहीं है कि इनका टक्कर गुस्से की वजह से हुआ है, हो सकता है अनजाने में वो गाड़ियां जो है वो अपने ड्राइवर के कंट्रोल से निकल गई हों और एक दूसरे का नुकसान कर लिया हो। अगर इस तरह का नुकसान हो जाए लेकिन इंटेंशन वैसा नहीं था उनका, तो ये बात गुस्से में नहीं आती। नंबर थ्री, इट आल्सो एक्सक्लूड्स एक्शंस दैट मे इन्वॉल्व पेन एज एन अनअवॉइडेबल साइड इफेक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन सच एज डेंटल ट्रीटमेंट्स आर इन द एक्सट्रीम असिस्टेड सुइसाइड। यानी कि बेटा कभी कभी क्या होता है, हम सामने वाले बंदों को तकलीफ पहुंचाते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी वो चीज एंगर के दायरे में नहीं आती। क्यों? मिसाल के तौर पर एक जो डेंटिस्ट होता है वो सामने वाले बंदे का दांत तोड़ देता है, दांत निकालता है, हमारे फायदे के लिए निकालता है, लेकिन तकलीफ तो पहुंचाता है ना उसको। तो तकलीफ यहाँ पे, ये जो तकलीफ पहुंचाई जा रही है, इसका इंटेंशन वो
यानी उसको वो गुस्सा नहीं है, उसकी मोटिवेशन उसकी ट्रीटमेंट है। इसी तरह कभी कभी बेटा हमारे मुल्कों में तो नहीं होता, जापान में होता है और वेस्टर्न वेस्टर्न सोसाइटीज में होता है कि वहां पे सुसाइड के लिए हेल्प की जाती है लोगों की। अगर कोई खुदकशी करना चाहे तो उनकी मदद की जाती है, हाँ भाई इसके लिए जिंदगी अब अजाब बन चुका है, अब इसकी मदद करनी चाहिए मारने में, इसको खुदकशी करने में, जहर की इंजेक्शन दे देना। अब डॉक्टर वो देता है, उसको पता है अब ये मर जाएगा, तो आप वो उसकी मदद कर रहा होता है, उसको बजाते खुद नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं कर रहा होता। तो इस यहाँ पे ये बात मेंशन की गई है कि इस तरह की चीजें भी एग्रेशन के दायरे कार से बाहर आती हैं। एग्रेशन सिर्फ वो चीज ही एग्रेशन कहलाती है, गुस्सा कहलाती है, जिसके पीछे पर्पज यही हो कि मैं सामने वाले को नुकसान पहुंचाऊं। नंबर फोर, इट इंक्लूड्स किक्स एंड स्लैप्स, थ्रेट्स एंड इंसल्ट्स, इवन गॉसिप। यानी इस एग्रेशन के दायरे कार में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? किक्स, कि बेटा आप किसी को लात मारते हैं, गुस्सा होता है ना, कभी कभी पुलिस वाले गुस्सा होते हैं, आपकी गाड़ी को लात मार देते हैं। स्लैप, कभी कभी गुस्से में थप्पड़ मार देते हैं, कोई भी किसी को थप्पड़ मार सकता है, बाप जो है वो गुस्से में अपने बेटे को थप्पड़ मार देता है। थ्रेट्स, धमकियां, कभी गुस्सा आ जाता है तो वो धमकियां देने लगते हैं। कभी कभी फैमिली में देखा गया है अक्सर जो शोहर हजरात हैं वो अपनी बीवियों को थ्रेट करते रहते हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। एंड इंसल्ट्स यानी बेइज्जती, कभी कभी आपका जो ऑफिसर होता है, अफसर होता है, वो अपने मातहत की बेइज्जती कर देता है किसी गलती पर, तो ये उसको गुस्सा होता है, इसी वजह से वो उसकी बेइज्जती करता है। बेटा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो किसी वर्कशॉप पे अगर कोई काम सीख रहे होते हैं गाड़ियों का, तो उनके उस्ताद जो हैं वो उनको मारते हैं, पीटते हैं, बेइज्जती करते हैं अगर वो कोई चीज कहीं पे कोई गलत कर दे तो। इवन गॉसिप, बेटा गॉसिप क्या होता है? गॉसिप होता है सरगोशियों में बातें करना, यानी कभी कभी अगर आपको किसी पे गुस्सा होता है आप उसकी तरफ देखकर सरगोशियों में कुछ कह रहे होते हैं, होंठों में, ठीक है बेटा, लबों में, होंठों में उसके बारे में कुछ बात कर रहे होते हैं गुस्से में आकर। तो ये जो गॉसिप है ये भी एग्रेशन के दायरे कार में आ गया है। तो बेटा अब तक हमने काफी चीजें पढ़ी कि लाजमी नहीं है कि हर नुकसानदा बिहेवियर जो है एग्रेशन के दायरे में है, लेकिन वो चीजें जिनका पर्पज ही हो कि मुझे सामने वाले को नुकसान पहुंचाना है, वो चाहे लात मारना हो, वो चाहे थप्पड़ मारना हो, वो चाहे बेइज्जती करना हो, वो चाहे अल्लाह आपको नेकी दे क्या कहते हैं कि धमकी देना हो, या वो चाहे जो वो गोसिप करना हो, सरगोशियां करना हो, ये सारी चीजें बेटा एग्रेशन की ब्रांचेस होती हैं। सर जी बेटा, सर अक्सर औरतें बसों में लड़ाइयां करते हैं सीट्स के लिए, एक दूसरे को गालियां देते हैं, तो ये भी एग्रेशन में आता है। जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखें, गालियां देने के लिए वो अपनी जबान को इस्तेमाल करती हैं, यानी ये क्या हो गया? वर्बल बिहेवियर हो गया, वर्बली वो दूसरों को, यानी कुछ ऐसा कहना कि दूसरों को तकलीफ महसूस हो, तकलीफ पहुंचे, ये जो है वो एग्रेशन कहलाती है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, नंबर फाइव, इट आल्सो इंक्लूड्स डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टी। यानी कि बेटा ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि आप सामने वाले बंदे को थप्पड़ मार रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, सिर्फ यही एग्रेशन के दायरे कार में आता है, बल्कि कभी कभी क्या होता है आप किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी की गाड़ी को जला दिया, किसी की टेलीविजन तोड़ दी, किसी के मोबाइल फोन तोड़ दी, ठीक है बेटा। उसके अलावा लाइंग एंड अदर बिहेवियर हुज गोल इज टू हर्ट, कभी कभी आप झूठ बोलते हैं, ठीक है, किसी पे आपको गुस्सा होता है आप उस पर कोई तोहमत बांध देते हैं, किसी उसके बारे में कोई बुरी बात फैला देते हैं और आप वो गुस्सा निकाल रहे होते हैं उस झूठ को फैलाते हुए, ठीक है बेटा। यानी इन सारी चीजों का पर्पस क्या होता है? टू हर्ट यानी तकलीफ पहुंचाना, सामने वाले को तकलीफ पहुंचे
वो तकलीफ महसूस करे, आपके गुस्से का यही पर्पस होता है। नंबर सिक्स, होस्टाइल एग्रेशन। बेटा अब एग्रेशन की कुछ किस्में हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। होस्टाइल एग्रेशन स्प्रिंग्स फ्रॉम एंगर, इट्स गोल इज टू इंजोर। यानी कि बेटा एक एग्रेशन का किस्म होता है जिसको कहा जाता है होस्टाइल एग्रेशन। ये कहाँ से निकलती है? ये एंगर से। एंगर, एंगर क्या होती है? नाराजगी। ठीक है बेटा, अगर आप किसी के साथ एंग्री होते हैं, सामने वाले बंदे की कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती तो आप नाराज हो जाते हैं, आप एंगर में आ जाते हैं। अगर वो बंदा आपकी नाराजगी का मदावा ना करे तो आपकी एंगर एग्रेशन का रूप ले लेती है। फिर आप भी तुल जाते हैं कि अगर वो बंदा मुझे नाराज करता है, मुझे तकलीफ पहुंचाता है, तो उसको भी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, फिर आप एग्रेशन में आ जाते हैं। और उसमें आपका मकसद क्या होता है? इंजोर, यानी सामने वाले को तकलीफ पहुंचाना। बेटा दूसरा किस्म होता है, नंबर सेवन में हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन एम्स टू इंजोर टू, यानी इसका मकसद भी सामने वाले बंदे को तकलीफ पहुंचाना ही होता है, लेकिन बट ओनली एज अ मींस टू सम अदर एंड। यानी इसका मकसद वो किसी और मकसद, असल मकसद कोई और होता है, असल मकसद कोई और होता है। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी बीवी जो है वो शोहर से नाराज होती है, बीवी शोहर से नाराज होती है। अब बच्चा आता है, मम्मा भूख लग रही है, उसको थप्पड़ दे मारी मम्मा ने। अब बच्चे पे उसको गुस्सा नहीं है, ये थप्पड़ का मैसेज शोहर की तरफ जा रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, आप सामने वाले बंदे को जिसको थप्पड़ मार रहे हैं, जिसको गुस्सा जिस पे कर रहे हैं, आप दरअसल उस पर नहीं कर रहे, बल्कि उसको जरिया बनाकर किसी थर्ड पर्सन को ये मैसेज भेज रहे हैं कि भाई मैं कहना तो तुम्हें चाहता हूं लेकिन मेरा बस नहीं चल रहा, इसीलिए मैं कमजोर पे हाथ उठा रहा हूं। ठीक है बेटा, तो ये होती है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। मोस्ट टेररिज्म इज इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। बेटा ये जो दहशतगर्दी आपने सुनी है उसमें क्या होता है? दहशतगर्द जो होते हैं वो मासूम लोगों को मारते हैं, धमाके करते हैं। उनका मकसद उन मासूम लोगों को मारना ही होता है? हरगिज नहीं। वो किसी और को मैसेज भेजना चाह रहे होते हैं कि भाई हमारी मांगे पूरी करो, हमारे मुतालबात पूरे करो, ये फला चीजें करो, वरना हम बदम नहीं फैला देंगे, वरना हम लोगों को मारेंगे। तो लोगों को मारना उनका मकसद नहीं है, बल्कि वो हुक्मरानों को डराना चाह रहे होते हैं कि हुकूमत जो है डर के हमारे मुतालबात मान ले। तो बेटा ये होती है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। अब मुझे कौन बताएगा, कोई भी स्टूडेंट मुझे बताए इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन की कोई एक मिसाल। सर, जैसे इंडिया में मुसलमानों को मारते हैं, वो पाकिस्तान के साथ अपनी एग्रेशन शो करने के लिए उन मुसलमानों को मारते हैं जो अपने ही मुल्क के उनके। जी बेटा बिल्कुल सर। और दूसरी बात इसमें ये है कि जैसे कि बलोच लिबरेशन आर्मी है पाकिस्तान बलूचिस्तान में, तो वो भी सर एग्रेशन की वजह से, क्योंकि उनके मुतालबात पूरे नहीं होते, उनकी माएँ बहनें जो है ना अगवा की जाती हैं, तो उस वजह से वो एग्रेशन में आकर मतलब वो दहशतगर्दी वगैरह करते हैं। सर ये भी एक चीज इसमें आ जाता है। जी बेटा ये दोनों एग्जाम्पल इंस्ट्रूमेंटल। सर जी बेटा, सर धाड़ेल जो होते हैं वो भी ले जाते हैं, लोगों को अगवा कर देते हैं। जी अच्छा बेटा देखें, अगवा में वो यानी पैसा चाह रहे होते हैं, वो बजाते खुद उसको, उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं होती, ठीक है, लेकिन उनको पैसा चाहिए होता है, तो ये भी इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन ही है। अब और स्नेचिंग होती, कोई बंदा गन लेकर आपके ऊपर खड़ा हो जाता है कि मुझे मोबाइल दो मुझे, अब ये होस्टाइल नहीं होती, उसकी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं होती आपके साथ, बल्कि आपको एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहा होता है और आपके जरिए वो सारी चीजें चाह रहा होता है आपको डरा कर। अच्छा वेल्डन सर। जी सर एक क्वेश्चन है सर, हम अपना गुस्सा दूसरे पे क्यों निकालते हैं, इसकी मेन वजूहत क्या हो सकती है? बेटा देखिए,
जब जिस पर आपको गुस्सा है अगर वो आपकी पहुंच से दूर हो, आप उसके सामने बेबस हो, उसको आप कुछ ना कह सकते हो, तब जो है वो आप यानी कि फिर आप कोई ऐसा टारगेट ढूंढते हैं जो आपकी एक्सेस में होता है, पहुंच में होता है। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कभी कभी बड़े जो होते हैं, बाप जो होता है अपने बेटे को डांटता है किसी बात पर। अब मिसाल के तौर पर उसके हाथ में कोई टेलीविजन का रिमोट है, अब वो बाप को तो नहीं दे मार सकता ना, अब वो क्या करेगा, उस रिमोट को दीवार के साथ दे मारेगा ताकि वो रिमोट टूट जाए। अब गुस्सा, उसने बाप का गुस्सा दीवार पे और रिमोट पे उतार दिया। तो हमेशा गुस्सा दूसरों पे तब उतारा जाता है जब एक्चुअल टारगेट जो है वो आपकी एक्सेस में नहीं होता, पावर में होता है, पावरफुल होता है, और आप उस पे नहीं उतार सकते, तो उसका बदला आप फिर किसी ऐसी चीज से लेते हैं जो आपके एक्सेस में होती है, जो आपके करीब तर होती है। इज इट क्लियर? ओके सर सर, मेरा भी एक सवाल है। जी बेटा। सर आजकल जो हम सुन रहे हैं, जो पीटीआई की एक वर्कर हैं, फिरदौस आशिक अमान, वो बात ही कर रही थी, अचानक उन्होंने हाथ उठाया, तो इसको हम किस वे में ले सकते हैं? बेटा देखें, ये दोनों बराबर, ये दोनों पॉलिटिशियन हैं, दोनों बराबर के हैं, तो बराबर वाला बराबर वाले के साथ कर सकता है, बराबर वाला बराबर वाले पे कर सकता है। और ये जो एग्रेशन है ना, ये बेटा इंस्ट्रूमेंटल है या होस्टाइल है, ये मैं आपसे पूछता हूँ। सर आई थिंक दोनों है। नहीं, ये होस्टाइल होगा, होस्टाइल है, होस्टाइल है सर। होस्टाइल, क्योंकि जब आप यानी सामने वाला बंदा आपके व्यूज के टोटली अगेंस्ट जाता है, आपको गलत साबित करने की जस्तजू में होता है, तो उस बंदे के लिए दिल में इतनी तो नफरत पैदा हो जाती है कि आप उस नफरत को, उस डिसलाइक को संभाल ही नहीं सकते, फिर वो आपके हाथ के जरिए बाहर निकल आती है। इज इट क्लियर? ओके सर। अच्छा बेटा, आप थोड़ा सवालों को थाम के रखिए ताकि हम आगे चले, वरना हम 5 सेशंस करने पड़ेंगे, हमको आज का लेक्चर भी थोड़ा बड़ा है। हेलो सर। नंबर नंबर एट सर जी बेटा, सर एक क्वेश्चन है जी बेटा पूछ। सर, एक्वेशन सर क्या प्रिजुडाइज में आता है? जी सर एक्वेशन प्रिजुडाइज में आता है? फिजिकल आता है या बेटा, नहीं आता सर? प्रिजुडाइज, प्रिजुडाइज सर। मैं आपका ये नोट दे सकता सर मैं ये बोल रहा हूँ कि हूँ। एग्रीशन जो है ना सर, वो जी, प्रिजुडाइज में आता है या नहीं आता? नहीं, देखिए प्रिजुडाइज सोर्स हो सकता है, प्रिजुडाइज सोर्स हो सकता है कि बिकॉज ऑफ प्रिजुडाइज आप एग्रेशन में आते हैं। मिसाल के तौर पर आप जो है किसी ऐसे क्या कहते हैं कि आपने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक सिंधी नेशनलिस्ट था और एक फारूक सत्तार था, ठीक है बेटा। फारूक सत्तार माइक पर बोल रहा था तो वो जो सिंधी नेशनलिस्ट था उसने जाकर उसके हाथ से माइक यानी छीन ली थी। अब ये क्या था, दूसरे के हाथ से माइक छीनना ये गुस्सा होता है, एग्रेशन होता है। क्यों किया इसने ऐसा, क्या पर्सनली उसके साथ दुश्मनी थी? नहीं, ये प्रेजुडाइज थी कि माजी में उसने अपनी स्पीचेस के जरिए कुछ ऐसी चीजें कही थी जो कि यानी इस बंदे को बहुत ज्यादा एज अ नेशनलिस्ट उसको तकलीफ दे रही थी, इस वजह से उसने ये गुस्सा शो किया। इट मींस ये जो गुस्सा था इसका, माइक छीनने वाला, ये कहाँ से आया, क्यों आया, व्हिच फैक्टर मोटिवेटेड प्रेजुडाइज। ओके सर, थैंक यू। अच्छा बेटा, अब सवाल को थोड़ा स्टॉप कर लें ताकि हम आगे बढ़ें। नंबर एट, व्हाट नियरली ऑल सुइसाइड टेररिस्ट कैंपेन्स हैव इन कॉमन इन अ स्पेसिफिक सेकुलर एंड स्ट्रेटजिक गोल, यानी ये जो सुइसाइड अटैकर्स होते हैं यानी खुदकश बमबार जो होते हैं, उनका मकसद क्या है, वो क्या चाह रहे होते हैं? एक बेटा रिसर्चर ने इसके ऊपर रिसर्च की थी जिसका नाम था रॉबर्ट पेप। रॉबर्ट पेप जो है उसने इन सुइसाइड बॉम्बिंग पे 1980 से लेकर 2001 यानी 21 साल लगातार सुइसाइड बॉम्बिंग जितनी भी हुई उनको इन्वेस्टिगेट किया, उन पर रिसर्च की, तो उनके कंक्लूजन्स क्या थे आइए सुनते हैं। नंबर 9,
That goal is to compel liberal democracies to withdraw military forces from territory that the terrorist is considered to be their homeland. यानी कि इसने कहा कि जितने भी खुदकश धमाके हुए हैं इन सब का मकसद यही था कि जो लिबरल डेमोक्रेसीज हैं या जो हुकूमतें हैं जो अपनी फौजों को भेजते हैं दूसरे मुल्कों में कब्जा करने के लिए, उनका यही मकसद था कि हमारे मुल्क से अपनी फौजें निकाल लें। अब देखिए देखें जैसे तालिबान वाले अफगानिस्तान में खुदकश धमाके करते हैं, क्यों करते हैं कि भाई अमरीकन जो है वो हमारे मुल्क से अपनी फौज निकाल लें। Number 10, terrorism is rarely committed by someone with a psychological pathology. It is a strategic tool used during conflict. यानी कि बेटा ये जो terrorism है, दहशतगर्दी जो है, ये कोई ऐसा बंदा नहीं करता जो कि psychopath होता है, यानी जो ज़हनी मरीज होता है, बल्कि वो बंदा बड़ा intelligent किस्म का बंदा होता है, बड़ा यानी क्या कहते हैं कि उसका जहन तेज चलना चलने वाला होता है जो ये चीजें कराता है, खुदकश धमाके करवाता है या करता है। ठीक है बेटा। अच्छा, ये जो खुदकश धमाके करते हैं, टेररिज्म जो करते हैं, ये इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी ये जंग का हिस्सा होता है। अब आप देखें जब दो पार्टी इक्वल होते हैं, मिसाल के तौर पर इंडिया और पाकिस्तान है, ये दोनों बराबर के हैं, तो अब ये दोनों की फौजें भी हैं, दोनों डायरेक्टली एक दूसरे के साथ लड़ सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि मिसाल के तौर पर आप देखें अब अमेरिकन फौज और तालिबान, अब अमेरिका फौज तो यानी बड़ी ताकतवर फौज है और तालिबान जो है उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, इसीलिए फिर उनको वो तरीका अख्तियार करना पड़ा है जो एक अनकन्वेंशनल होता है। तो टेररिज्म इज अ अनकन्वेंशनल manner of fighting war. Number 11, most wars are instrumental aggression. यानी कि बेटा जितनी भी जंगें होती हैं तकरीबन वो instrumental aggression का ही किस्म है, यानी उन जंग के जरिए वो कोई और मकसद हासिल करना चाह रहे होते हैं। Number 12, in 2003, American and British leaders justified attacking Iraq not as a hostile effort to kill Iraqis but as an instrumental act of liberation and of self-defense against presumed weapons of mass destruction. बेटा ये जो ऊपर हम पॉइंट डिस्कस करके आए हैं कि मोस्ट वार्स आर इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, यानी काफी जंगे जो होती हैं वो मीन्स होती हैं और उनका एंड कुछ और होता है, उनका मकसद कुछ और होता है। अच्छा, यहाँ पे अमेरिका ने जो हमला किया था, अमेरिका और बरतानिया ने जो इराक पर हमला किया था 2003 में, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो जो है इस जंग को ये नहीं कह रहे थे कि हमें जाकर इराक के लोगों को मारना है, वो तो ये कह रहे थे कि हम इराक के लोगों को सदाम हुसैन से निजात दिलाने जा रहे हैं। और दूसरी वजह उन्होंने ये बताई थी कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस पाए जाते हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स पाए जाते हैं जो वो किसी भी वक्त हमला करके वेस्टर्न कंट्रीज को या अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकता है। तो बेटा ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है ये एक बहुत बड़ी वजह थी जिसकी वजह से इराक पर हमला किया गया था और वो कभी मिले ही नहीं। बड़ी मजे की बात, वो कभी मिले ही नहीं। बेटा हम अब थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। इंस्टिंक्ट थ्योरी, इंस्टिंक्ट। बेटा डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टिंक्ट? हेलो। यस सर। जी। फितरत। जी फितरत। बेटा फितरत को तो नेचर कहते हैं, इंस्टिंक्ट की मीनिंग क्या है? सर अनलर्न्ड बिहेवियर। जी 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 जी, अनलर्न्ड बिहेवियर यानी ऑटोमेटिक बिहेवियर, जो कोई ऐसी चीज जो आप करते हैं तो उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली आपकी आपके ये नहीं हो जाती है उसमें से, वो होता है इंस्टिंक्ट। अब जैसे छोटा बच्चा है 1 माह का या 5-6 दिनों का,
वो चीखता है चिल्लाता है दूध के लिए, ठीक है बेटा। अब चीखना चिल्लाना उसका इंस्टिंक्ट होता है, यानी उसके जरिए अपनी नीड पूरी करता है, ये उसने सीखा हुआ नहीं होता बल्कि बाय बर्थ उसके अंदर ये चीज पड़ी होती है, तो उसको हम कहते हैं इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट थ्योरी। नंबर वन फ्राइड। अच्छा बेटा सिगमंड फ्राइड जो है उसका बहुत बड़ा काम हुआ है इस एरिया में, कॉन्शियस अनकॉन्शियस। नंबर वन फ्राइड स्पेकुलेटेड दैट ह्यूमन एग्रेशन स्प्रिंग्स फ्रॉम अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इंपल्स। बेटा सिगमंड फ्राइड का मानना था कि इंसान का जो गुस्सा होता है वो कहाँ से निकलता है कि उसके अंदर एक इंपल्स पाई जाती है, वो होती है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, यानी खुद को ही नुकसान पहुंचाने वाली इंपल्स होती है इंसान के अंदर, खुद को ही नुकसान पहुंचाने वाली इंपल्स होती है। कभी कभी आप देखें कोई बंदा मुक्का मार देता है दीवार को, किसको नुकसान पहुंचा मुक्का मारने से, खुद को। तो इंसान के अंदर में सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इंपल्स पाई जाती है जिसकी वजह से वो गुस्सा दिखाता है। नंबर टू इट रीडायरेक्ट टूवर्ड अदर्स द एनर्जी ऑफ अ प्रिमिटिव डेथ अर्ज। यानी कि बेटा जो इंसान के अंदर में सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होती है इंपल्स, वो डायरेक्ट कर देता है दूसरों की तरफ। आप यूं समझें कि एक चाकू है, चाकू का जो है वो खुला हुआ है और वो आपके जेब में पड़ा है तो वो तो आपको ही तकलीफ देगा ना, लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन किसी और की तरफ हो जाए जिसके साथ आप बैठे तो उसको तो तकलीफ देगा। तो ये जो इंस्टिंक्ट है, ये खुला हुआ चाकू है जो इंसान की फितरत में पड़ा होता है, उसके जरिए वो खुद को भी नुकसान पहुंचा रहा होता है और अपने आसपास दूसरे लोगों को भी वो नुकसान पहुंचा रहा होता है। नंबर थ्री लोरेंस। अच्छा बेटा लोरेंस एक एनिमल बिहेवियर एक्सपर्ट था, यानी जो जानवरों के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। Saw aggression as adaptive rather than self-destructive. यानी कि बेटा सिगमंड फ्राइड का ये मानना था कि ये जो है aggression जो है यानी कि self-destructive है, अपने आप को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन लोरेंस जो है ये दूसरा बंदा है, इसका इसकी राय कुछ मुख्तलिफ थी। बेटा कितना फायदा होता है जब हम मुख्तलिफ लोगों की राय देखते हैं, तो हमें यानी एक पिक्चर के मुख्तलिफ पहलू मिलते हैं देखने को। तो लोरेंस का क्या मानना है, ये कहते हैं कि भाई एग्रेशन जो होती है ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं है बल्कि ये अडॉप्टिव है। अडॉप्टिव यानी अडॉप्ट, बेटा अडॉप्टिव की क्या मीनिंग है, एनीवन? अडॉप्टिव जो सर किसी के ऊपर अडॉप्ट की जाए, किसी के ऊपर दी जाए खुद ब खुद। नहीं सर मुसल्लत की जाए। हालात के हिसाब से अपने आप को ढालना, अपने आप को ढालना अडॉप्टिव। अच्छा इसके बारे में थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे। टू अच्छा एडॉप्टिव में बेटा ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक देगची है जिस पर आप कोई खाना बना रहे हैं या कोई चीज है, उसका ढक्कन आपने बंद किया हुआ है। अब उसके अंदर में बाफ जो है, स्टीम जो है वो इकट्ठी हो जाएगी और ढक्कन जो है वो बड़बड़ाने लगेगा। कभी कभी तो ढक्कन गिर भी जाता है, ऐसा होता है या नहीं होता? तो ये क्या है, एग्रेशन क्या है, इंसान के अंदर में एक तरह की स्टीम फैल जाती है। अब अगर वो एग्रेशन ना हो, वो गुस्सा ना हो, दूसरों के साथ यानी लफ्जी तौर पे बातचीत ना करे, तो वो अंदर में खाली नहीं हो सकता। आपने कभी देखा होगा कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप नाराज होते हैं तो अंदर में आप भरे पड़े होते हैं, फिर जब आप किसी पे गुस्सा निकाल देते तो आप अंदर में रिलैक्स महसूस करते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता बेटा, गुस्सा करने के बाद, किसी के साथ झगड़ा करने के बाद, किसी को दो थप्पड़ मारने के बाद आप रिलैक्स हो जाते हैं। फिर बच्चा होता है, बच्चे को अपने माँ बाप पे नाराजगी होती है तो वो बच्चा जो है
रो कर चीख कर, अब चीखना क्या है, ये भी तो गुस्से का एक फॉर्म है, चीख चीख चीखने के जरिए वो अपनी गुस्सा बाहर निकाल देता है। तो ये होता है एडॉप्टिव। अच्छा नंबर फाइव, इफ नॉट, अच्छा नंबर फोर, द टू एग्री दैट एग्रेसिव एनर्जी इज इंस्टिंक्टिव अनलर्न्ड एंड यूनिवर्सल, यानी दोनों की, दोनों का इस बात पे एग्रीमेंट थी कि एग्रेशन जो है, एग्रेशन जो है ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि अनलर्न्ड है, यानी जो कि इंसान सीखता नहीं है, पहले से मौजूद होती है, एंड यूनिवर्सल, और हर इंसान के अंदर पाई जाती है। नंबर फाइव, इफ नॉट डिस्चार्ज, अगर इसको डिस्चार्ज नहीं किया जाए, यानी अगर ये एनर्जी डिस्चार्ज नहीं होगी, इट सपोज्डली बिल्ड्स इट अंटिल इट एक्सप्लोड्स, यानी अगर इसको डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा तो ये धमाके से फट जाएगा वो बंदा, अगर वो इसको एक्सप्रेस ना करे। और अंटिल एन एप्रोप्रिएट स्टिमुलस रिलीजेस इट लाइक अ माउस रिलीजिंग अ माउस ट्रैप, यानी कि बेटा इसका कोई ना कोई तरीका होता है जिसके जरिए ये निकलती है, इसको निकल नहीं होता है बाहर, अगर वो नहीं निकलेगी तो बंदे को अंदर से वो नुकसान देगी। नंबर सिक्स, अगर सर सर जो एग्रेशन होता है वो सर कभी कभी तो ऐसे भी बोलते हैं लोग कि भाई एग्रेशन वालिदैन के विरसे में से आती है, अगर बेटे को गुस्सा आता है तो उसका मतलब ये है कि मतलब इसका चाचा या अब्बू जो या अम्मी गुस्से वाला है, तो दैट्स व्हाई इसको ज्यादा एग्रेशन आता है। बेटा आप सही कह रहे हैं, ये कभी कभी नेचर से ये चीजें आती हैं, हमारे वालिदैन से हमें ये चीजें वरसे में मिलती हैं, लेकिन बेटा उनसे ना भी मिले तो ये कुदरती चीज है, जैसे आंखों का होना, बालों का होना, नाक का होना, दांतों का होना, ये कुदरती है, हर बच्चे को मिलते हैं। वैसे ही बेटा कुछ जज्बात हो होते हैं जो इंसान की को फितरत से मिलते हैं, और ये गुस्सा होता है। फर्क क्या है, कुछ लोग इसको हैंडल करना जानते हैं, गुस्से को हैंडल करना, और कुछ लोग गुस्से को हैंडल करना नहीं जानते, यही बस फर्क होता है। होता सब में, मुझ में भी है, आप में भी है, लेकिन फर्क ये है कि शायद आप इसको अच्छे से हैंडल कर सकें और मैं इसको अच्छे से हैंडल ना कर सकूं। नंबर सिक्स, एग्रेसिव बिहेवियर वाज अ स्ट्रेटजी फॉर गेनिंग रिसोर्सेस, डिफेंडिंग अगेंस्ट अटैक, इंटिमिडेटिंग और एलिमिनेटिंग मेल राइवल्स फॉर फीमेल्स एंड डिटरिंग मेट्स फ्रॉम सेक्सुअल इनफाइडेलिटी, यानी कि बेटा हिस्ट्रिकली देखा जाए तो ये जो एग्रेसिव बिहेवियर है ये एक स्ट्रेटजी के तौर पे अप्लाई गई है, यानी एक हिकमत अमली के तौर पे अपनाई गई है। किस चीज के लिए, गेनिंग रिसोर्सेज, गेनिंग रिसोर्सेज, यानी तारीख में आप थोड़ा पढ़ेंगे तो क्या होता था, कबीले, एक कबीला दूसरे पे हमला कर देता था, क्यों हमला कर देता था, लोगों के रिसोर्सेज छीनने के लिए, उनका माल मता छीनने के लिए, लोगों को गुलाम बनाने के लिए, ठीक है बेटा, गेनिंग रिसोर्सेज, डिफेंडिंग अगेंस्ट अटैक, और कभी कभी आप पे हमला होता था और आप भी गुस्से में आ जाते थे, आप भी उसका जवाब देते थे, तो आप जवाब दे रहे हैं। इंटिमिडेटिंग और एलिमिनेटिंग मेल राइवल्स फॉर फीमेल, कभी कभी क्या होता है, गुस्सा ये भी होता है कि लड़की एक है और उसको चाहने वाले दो हैं, दो कजिन हैं, हर दोनों कजिन की यही विश है कि वो उसके साथ निकाह करे, अब दोनों एक दूसरे के राइवल बन जाएंगे, दोनों एक दूसरे के खिलाफ गुस्से में आ जाएंगे। एंड डिटरिंग मेट्स फ्रॉम सेक्सुअल इनफाइडेलिटी, सेक्सुअल इनफाइडेलिटी क्या है बेटा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, यानी कभी कभी बीवी जो है वो गुस्से से पेश आती है शोहर से ताकि वो उसके हाथ से ना जाए, वो किसी दूसरी औरत के साथ ताल्लुक ना बनाए, और मर्द जो है वो बीवी पे गुस्सा करता है ताकि वो उसके कंट्रोल में रहे और वो किसी दूसरे मर्द से ताल्लुक ना बनाए। तो गुस्से को इस स्ट्रेटजी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है कि आपकी जो बंदी या बंदा है वो आपके कंट्रोल में रहे, आपके हाथ से ना निकल जाए। नंबर सेवन, इंस्टिंक्ट थ्योरी आल्सो फेल्स टू अकाउंट फॉर द वेरिएशंस इन एग्रेसिवनेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड कल्चर टू कल्चर, यानी कि बेटा यहाँ पे वीकनेस बताई जा रही है कि इंस्टिंक्ट थ्योरी की वीकनेस क्या है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर इंस्टिंक्ट हर, यानी एग्रेशन अगर आपके इंस्टिंक्ट में ही है, कुदरती है, फिर ऐसे क्यों होता है कि कुछ लोगों में ज्यादा पाई जाती है, कुछ लोगों में कम पाई जाती है, कुछ लोगों, कुछ इलाकों में ज्यादा होती है, कुछ इलाकों में कम होती है।
ठीक है बेटा, इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती ये थ्योरी। नंबर एट, इन सम प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज बीइंग अ गुड वॉरियर मेड फॉर हायर स्टेटस एंड रिप्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटीज। यानी कि बेटा प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में क्या होता था, ये माना जाता था कि एक जो बंदा एक लड़ाकू है, जंगजू है, उसकी बड़ी इज्जत हुआ करती थी मोहल्ले में, अपने कम्युनिटी में उसकी बड़ी इज्जत हुआ करती थी, भाई ये बंदा बड़ा चकजू है, बड़ा लड़ाका है। तो यानी आपकी सोसाइटी आइडियलाइज करती थी इस चीज को, अगर आप वसीले इंसान हैं तो फिर हर बंदे की ख्वाहिश होती थी कि मैं भी वसीला बनूं। बेटा आखिरी बात मैं बताऊंगा कि एक स्टूडेंट थी मेरी लियारी से, उसने एक बड़ी प्यारी बात कही थी कि सर हमारे मोहल्ले में एक बच्चा है, वो कहता है कि मुझे भी लाला बनना है। ये जो लाला, ये जो गैंगवार वाले नहीं थे, अब उनका बड़ा दबदबा होता था, बड़ा रोब होता था मोहल्ले पर, ठीक है। तो बच्चे ने ये देखा, भाई ये तो बड़े यानी यानी अब यानी दबदबे वाले लोग हैं। अब वो 4-5 साल का बच्चा भी कहता था कि मुझे भी इनकी तरह बनना है। तो आपने देखा सोसाइटी जिस चीज को आइडियलाइज करेगी, जिस चीज को रिस्पेक्ट देगी, लोग उस तरफ ज्यादा जाएंगे। तो सोसाइटी किसको करती है, सोसाइटी इसको जो है वो ज्यादा अप्रिशिएट करती है कि लोग लड़ाकू हों। तो जिस सोसाइटी में इस तरह की चीजें होती है वहां पे गुस्सा भी बहुत ज्यादा होता है। बेटा हमारे मोहल्ले में एक बंदे ने दूसरे बंदे को मार दिया, खून कर दिया। तो मैंने अपने चचा के यानी मुंह से ये अल्फाज सुने, यार इस बंदे ने बड़ा नाम कमा लिया मोहल्ले में, अब इसके इसके बड़े गुण गाए जाएंगे, भी इसने कत्ल कर दिया। इट मीन सोसाइटी उन लोगों को रोबदार समझती है जो दूसरे लोगों को गुस्से से नुकसान पहुंचाती है। तो फिर लोग क्या करेंगे, लोग भी गुस्से की तरफ ही जाएंगे। तो ये आपके कल्चर में, आपकी सोसाइटी में होता है कि आप गुस्से की तरफ जाते हैं। बेटा आखिरी मिनट है, इसीलिए सेशन को एंड करते हैं। सेकेंड सेशन में मिलते हैं 5 मिनट के बाद।